everyone, welcome back to Happy Mommy Vlogs. So guys, Valentine's Day is just around the corner of this week and I'm sure आप सब लोग बहुत excited होंगे. So मैं आपके लिए लेकर के आ गई हूँ DIY romantic setup for Valentine's Day. And जितना खूबसूरत दिख रहा है ये setup, उतना ही easy है इसे create करना और बहुत ही आसानी से आप घर पे ही इसे create कर सकते हैं. तो इस Valentine's Day create करिए ऐसा ही romantic setup आप भी और surprise दीजिए अपने loved one को. ये है मेरा रूम जहाँ पर मैं डेकोरेशन करने वाली हूँ और बेड पर ही मैं पूरा ये सेटअप रेडी करूंगी. तो आप देख सकते हैं कि ये है पूरा रूम और यहाँ मैंने लिया है कुछ कुशन आपको चाहिए होंगे. एक हार्ट पिलो मैंने ली है एंड अगर आपके पास प्रिंटेड कुशन इस तरीके की आपके फोटो वाली तो आप ले सकते हो. और मैंने मैट ली है यहाँ पे दो डिफरेंट टाइप की एंड कुछ टेडीज वगैरह आप सॉफ्टवेयर अगर आपके पास में तो आप वो ले सकते हो. ऑल्सो मैंने यहाँ पर लिया है ये हीलियम फिल्ड बलून है, आप नॉर्मल बलून का भी यूज कर सकते हो. कुछ बैटरी ऑपरेटेड एंड सेंटेड कैंडल्स हैं एंड मैंने यहाँ ली है फेरी लाइट, ये बैटरी ऑपरेटेड है. एक वुडन ट्रे है जिसे मैं डेकोरेट करूंगी एंड एक रिबन है इस तरीके का जो मैं यूज करने वाली हूँ. मैंने ली है एक ये व्हाइट और ऑर्गेंजा वाली मेरी साड़ी थी वो यूज कर रही हूँ. आप कोई भी और साड़ी या फिर चादर ले सकते हो. और कुछ रोजेस मैंने लिए हैं तो डेकोरेट. ऑलरेडी मैंने बेडशीट से टीपी कैसे क्रिएट कर सकते हैं ये ट्यूटोरियल मैंने शेयर किया है. तो आज मैं आपको बता रही हूँ कि आप साड़ी से बेड पर किस तरीके से एक टीपी काइंड टेंट शेप सेटअप बना सकते हो. तो सबसे पहले आपको बेडशीट बिछा लेनी है मैट्रेस पे और आप कोई भी प्लेन कलर की बेडशीट ले सकते हो, उससे बहुत ही सोबर एंड अट्रैक्टिव सा लुक आएगा. यहाँ मैंने ऑर्गेंजा फैब्रिक की साड़ी ली है जो कि ऑफ व्हाइट एंड रेड के कॉम्बिनेशन में. सो आप कोई साड़ी भी ले सकते हो उस कॉम्बिनेशन में. अदरवाइज आप दो व्हाइट दुपट्टे को भी ज्वाइन करके ये फॉर्म क्रिएट कर सकते हो. यहाँ मैंने साड़ी को बीच में से फोल्ड कर लिया है जिससे कि मुझे सेंटर वाला हिस्सा मिल जाए और साड़ी को मैं दो पार्ट में डिवाइड कर पाऊँ. और बीच में से साड़ी को आपको पकड़ करके कुछ इस तरीके से प्लीट जैसा कर लेना है, फॉर्म बना लेना है और रिबन से उसको टाई कर देना है. थोड़ा लूज टाई करिएगा जिससे कि साड़ी थोड़ी सी बाउंसी फील होगी. तो साड़ी को आप बीच में से टाई करने के बाद में दोनों हिस्सों को अलग अलग कर दें जिससे कि आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी. सो मेक श्योर कि आप जहाँ पर भी ये सेटअप कर रहे हो, बना रहे हो, वहाँ पर पीछे आपको कुछ भी ऐसा हैंग करने के लिए मिल जाए. चाहे तो आप कोई क्लिप लगा सकते हो या फिर अगर विंडो है तब तो बहुत अच्छी बात होगी क्योंकि उसके बाद लुक बहुत अच्छा आएगा. तो यहाँ पर मैं विंडो पे आप देख रहे होगे ऊपर कर्टन रॉड लगा हुआ है जहाँ पर मैं इसे हैंग करने वाली हूँ और क्योंकि वो प्रॉपर वहाँ पर फिक्स हो जाएगा. अगर कर्टन रॉड नहीं है या विंडो नहीं है तो आप कोई क्लिप या फिर कोई की वगैरह वॉल पे लगा के वहाँ पर भी इसे हैंग कर सकते हैं. यहाँ आप देखोगे कि मैंने जो विंडो थी वहाँ पे मैंने शेयर कर्टन भी लगा रखे हैं दो ऑफ वाइट कलर के क्योंकि ये भी हम इसे डेकोरेशन में यूज करने वाले हैं. ना यहाँ पर आप देख रहे हो साड़ी की ये दो साइड हैं जिससे कि हम मैट्रेस में साइड में से टक करेंगे और इसे आप दोनों साइड में कर लीजिए जिससे कि जो साड़ी होगी वो प्रॉपरली फॉल करेगी बेड के साइड में. मैंने ऑलरेडी बेडशीट डाल ली है, आप कोई भी प्लेन बेडशीट यहाँ पर मैट्रेस में यूज कर सकते हैं. एंड इसके बाद आप यहाँ देख रहे होंगे कि जो साड़ी मैंने हैंग करी थी और बोथ साइड कुछ इस तरीके से ये लुक आ जाता है, ऑलमोस्ट टेंट शेप का लुक आ जाता है. इसके बाद आप साड़ी के दोनों साइड को अच्छे से अरेंज कर लीजिए, टाइट कर लीजिए और फिर मैट्रेस पे हम इसे इस तरीके से टक करेंगे. बैक साइड में टक करना है आपको और बिल्कुल साइड में इस तरीके से टक करना है कि बिल्कुल टाइट आ जाए ये दोनों साइड, बिल्कुल टीपी वाला फॉर्म हमारा आ जाए इसे टक करने के बाद. साड़ी को मैट्रेस में टक करने के बाद में कुछ इस तरीके का फॉर्म क्रिएट हो जाएगा और अब हम इसे डेकोरेट करेंगे. ना इस टेंट का जो ऊपर का साइड है उसे मैं थोड़ा सा नीचे से सेफ्टी पिन लगा करके सिक्योर कर दूंगी जिससे कि ये टेंट जो है साड़ी का हमारा ये खुलेगा नहीं है. इसके बाद कुछ रेड कलर के पेपर फैंस हैं जो मैं यहाँ ऊपर प्लेस करने वाली हूँ. तो दो से तीन फैन है उसे मैं प्लेस कर दूंगी. आप चाहो तो ये लगा सकते हो या फिर आप कुछ और लगा सकते हो जो भी अच्छा लगे. आप चाहो तो बलून भी यहाँ पर प्लेस कर सकते हो हार्ट शेप वाले, वो भी बहुत सुंदर लगेंगे. तो ये तो हो गया. अब इसके बाद यहाँ मैट्रेस पे हम कुछ डेकोरेट करेंगे और पीछे कुछ पिलोज वगैरह कुशंस वगैरह मैं रख दूंगी एंड थोड़ी मोड़ी बेसिक सी डेकोरेशन
बहुत ज़्यादा हम कुछ उसमें नहीं भरेंगे, अदरवाइज बहुत ज़्यादा भद्दा दिखने लग जाएगा। यहाँ मैं एक दो सॉफ्ट टॉयज भी रख रही हूँ, और आप चाहो तो सॉफ्ट टॉयज रख सकते हो, हार्ड कुशन रख सकते हो, अदरवाइज आप चाहो तो सिंपल जो नॉर्मल छोटे वाले बलून्स आते हैं वो भी एक दो यहाँ पर प्लेस कर सकते हो। अब मैं यहाँ पर साइड में प्लेस करूँगी ये वुडन ट्रे, और उसमें मैंने दो सैंडल कैंडल्स रख दी हैं और एक छोटा सा फ्लावर वास रख दिया है जिसमें कुछ फ्लावर्स लगे हुए हैं ऑफ वाइट कलर के। एंड मैं ये दो रोजेस रखूँगी, डिफरेंट कलर के, वाइट एंड रेड कलर के रोजेस रखूँगी। इससे एक बहुत ही सुंदर सा एंड रोमांटिक सा कॉर्नर क्रिएट होगा। सो यहाँ मैं एक हार्ट फॉर्म क्रिएट कर रही हूँ रोज पेटल से। तो वैलेंटाइन डे हो और हार्ट ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तो हार्ट और रोजेस का बहुत ही प्यारा कनेक्शन होता है। अब हम रूम का ये हिस्सा डेकोरेट करेंगे और यहाँ हम क्रिएट करेंगे फ्लोर सिटिंग। एंड में हम यूज कर रहे हैं बैटरी ऑपरेटेड कैंडल्स हैं, फेरी लाइट्स हैं एंड कुछ रोज पेटल्स हैं, जिससे कि हम इस पूरे ओवरऑल लुक को देंगे फाइनल टच, और यहाँ पर हमारा ये जो डेकोरेशन है वो हो जाएगा कंप्लीट। ओके सो दिस इज इट एंड हियर इज द फाइनल लुक।